हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसे वेबसाइट जहाँ से आप फ्री में कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, ठीक है। इन वेबसाइट पर आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। वैसे आपको फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस साइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा सेफ है। खरीदे गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन अधिकतर लोग सॉफ्टवेयर को खरीदने के बजाय फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पसंद करते हैं, जिससे कभी कभी गलत वेबसाइट से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर वायरस बन सकते हैं और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल सेफ है और इनसे डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर में कोई रिस्क नहीं है और आपको कंप्यूटर में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे पहला वेबसाइट है सीनेट डाउनलोड। यह एक सबसे बेहतर और बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट है। जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की बात आती है तो सबसे पहले सीनेट डाउनलोड का ही नाम आता है। इसे download.com के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सबसे पुरानी वेबसाइट है जो आपको लगभग सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का लिस्ट देता है। इसमें लगभग 1 करोड़ अलग अलग सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर तथा ट्रायल्स उपस्थित है। इसमें विंडोज, मैक, लिनक्स, iOS तथा एंड्रॉयड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो आप इस वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ से आप बहुत तरीके का सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है सॉफ्टपीडिया। यह 2001 में लॉन्च किया गया था। मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का एक बेहतरीन मंच है। सॉफ्टपीडिया पर आप अपनी पसंद के फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टपीडिया पर गेम्स का भंडार है जो कि बच्चों को बहुत ही आकर्षित करता है। सॉफ्टपीडिया से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर तथा गेम्स विंडोज, मैक, लिनक्स, मोबाइल तथा वेबसाइट पे चलता है, ठीक है। तो आप सॉफ्टपीडिया का इंटरफेस देख सकते हैं। ये इस तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हर मिनट में अपडेट होते जाता है सॉफ्टवेयर, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, एंड्रॉयड के लिए और लिनक्स के लिए, और वेब ब्राउजर के लिए भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। या आपके कंप्यूटर में ड्राइवर की कमी है तो यहाँ से आप ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम है, मैक है, एंड्रॉयड एपीके, मतलब कि आप एंड्रॉयड एपीके भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और न्यूज़ एंड रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप नीचे आएंगे, न्यू डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी नया नया सॉफ्टवेयर होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या ही तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किसके लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, विंडोज ड्राइवर चाहिए, या मैक एप्लीकेशन चाहिए, या मोबाइल ऐप चाहिए, या वेब ऐप चाहिए, या फोन एंड टेबल चाहिए, या न्यूज़ चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनी टाइम अपडेट होते रहता है और आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सोर्सफोर्ज। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज बहुत कम है, ठीक है, जैसे किस सॉफ्टवेयर को कब इंस्टॉल करना चाहिए और कैसी इंस्टॉल करना चाहिए, अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यदि इसके ठीक विपरीत यदि आप सॉफ्टवेयर की दुनिया के विशेषज्ञ हैं तब भी सोर्सफोर्ज आपके लिए एक बेहतरीन मंच है, क्योंकि यह हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जानकारी देता है जो कि आपको किसी भी चीज़ों को आसानी से समझने में मदद करती है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जहां से आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और फालतू का आपको जानकारी यहां पे नहीं मिलेगा, आपको यहां पे सटीक जानकारी मिलेगा। और आप ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो यहां से आप प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप उस सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। चौथे नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मर। यह सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नई वेबसाइट है। इनके पास कम संख्या है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर
और लेटेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे यह एक बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन वेबसाइट में गिनी जाती है जहाँ आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स वाले गेम्स तथा अन्य सॉफ्टवेयर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मर का इंटरफेस ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम जानते हैं आप तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यानी तो आप यहाँ कैटेगरी पे सेलेक्ट करके आप कैटेगरी भी देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट है प्रोग्राम फॉर विंडोज, तो आपको विंडोज के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री में, आपको एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है सॉफ्टोनिक। यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का एक सबसे लोकप्रिय मंच है। यह प्रत्येक सॉफ्टवेयर की जानकारी बहुत ही डीपली देती है, उसी तरह दूसरे सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन भी दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम किसी भी एक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर विंडोज, मैक, iOS, एंड्रॉयड के अलावा जावा, ब्लैकबेरी के लिए भी सॉफ्टवेयर तथा गेम्स मौजूद है। तो आप इस वेबसाइट पे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपको जो भी जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कोई और सॉफ्टवेयर होगा या उसके नाम के तरह कोई और सॉफ्टवेयर जो वही काम करता होगा, तो आपको इस वेबसाइट पे कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। आप वहां से देख करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स है, गेम्स विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है और iOS फोन के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ कैटेगरी में भी देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टिकटॉक ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 टिकटॉक की तरह ही अल्टरनेटिव एप्स देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से डाउनलोड बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। छठे नंबर पे आता है ओपन सोर्स मैक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह वेबसाइट सिर्फ मैक ओएस के लिए है, ठीक है, यहां से आप ओपन सोर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप बहुत तरीके का सॉफ्टवेयर अपने मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी फ्री में, आपको एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। सातवें नंबर पे आता है डाउनलोड 3K। अगर आपका पीसी विंडोज या मैक ऑपरेट करता है तो डाउनलोड 3000 एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड मंच है। यहाँ आप रिव्यू और कैटेगरी के आधार पर सॉफ्टवेयर का चयन कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी सॉफ्टवेयर के फ्री तथा अपडेटेड वर्जन उपलब्ध कराता है, जिससे हमें नए सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग में आसानी होती है और अपडेटेड सॉफ्टवेयर के कारण कंप्यूटर अच्छे तरीके से काम भी करता है। तो दोस्तों डाउनलोड 3000 एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हर एक मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर कभी स्लो भी नहीं होगा और आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, यानी तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका कैटेगरीज आ जाएगा, तो आप यहाँ कैटेगरी में देख सकते हैं बिजनेस है, डेवलपमेंट टूल्स है, एजुकेशन है, गेम्स है, ग्राफिक एंड वीडियोज है, होम हॉबी है, इंटरनेट है, सेल एंड डेस्कटॉप इन्हेंसमेंट है और यूटिलिटीज है। और आप यहाँ पे टॉप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिव्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। तो सिंपली आप यहाँ रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा। आठवें नंबर पे आता है फाइल होर्स। इस वेबसाइट द्वारा नए विंडोज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और श्रेणीबद्ध मंच बनाया गया है। सभी विंडोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करने के लिए यह एक बेहतर वेबसाइट है। इसके सभी प्रोग्राम बड़े तथा
रंगीन दर्शाए गए हैं जिन्हें डाउनलोड करना भी बहुत आसान है। इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तथा पॉपुलर सॉफ्टवेयर दोनों को डाउनलोड करने के लिए अलग अलग लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ जब आप फाइल हॉर्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करके भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज जो हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और मोस्ट पॉपुलर डाउनलोडर जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपके अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर है एंड प्लगइन्स है, ठीक है, और एंटी स्पायवेयर है, MP3 एंड ऑडियो के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड चैट के लिए भी आप देख सकते हैं नया नया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे जूम हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैनीकैम हो गया, एंटीवायरस में आपको बहुत सारा एंटीवायरस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और वीडियो सॉफ्टवेयर में भी आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, और गेम्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा गेम्स का भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया कि आपको किस कैटेगरी का डाउनलोड करना है, तो आप पहले यहाँ पे नीचे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सारे कैटेगरी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो आपको जिस भी कैटेगरी से जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों 9 नंबर पे आता है फाइल हिपो। फाइल हिपो के बारे में आप लोग शायद बहुत कम जानते होंगे, लेकिन फाइल हिपो भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। फाइल हिपो फ्री सॉफ्टवेयर और विंडोज 10 के लिए भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जैसे सभी विंडोज के लिए एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाता है जिन्हें आप बिना लॉगिन किए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही फाइल हिपो अपने खुद के सॉफ्टवेयर जैसे फाइल हिपो अपडेट चेकर द्वारा आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद फाइल हिपो द्वारा डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर को स्कैन कर उनके अपडेट वर्जन भी उपलब्ध कराता है। दोस्तों फाइल हिपो की एक खासियत ये भी है कि अगर आप फाइल हिपो का अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिक जब आप नेट कनेक्ट करेंगे तो चेक कर देगा कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसको अपडेट करना है, तो ये ऑटोमेटिक चेक करके अपडेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक मिनट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपुलर सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो भी है वो देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो भी है वो भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना जल्दी कितना 1 सेकंड में कितना सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मिनट एगो अपडेट हुआ था। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा कि आपको किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर उसके बाद आप पॉपुलर कि कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पॉपुलर है, उस सॉफ्टवेयर की पॉपुलर लिस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके इस वेबसाइट से फाइल हिपो से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और 10 नंबर पे आता है Soft32। यह एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जो कि सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है, जिससे आपको खोजने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। और Soft32 की डाउनलोड प्रक्रिया भी दूसरे वेबसाइट से बहुत तेज है कि अगर आप इस वेबसाइट पे किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्पीड देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे टोटल 1 लाख से अधिक विंडोज OS से संबंधित सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसके अलावा इसमें मोबाइल, मैक, आईफोन तथा लिनक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो आप इस वेबसाइट पे आकर के चेक कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप विंडोज़ के लिए देख सकते हैं बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मैक पे क्लिक करेंगे तो मैक के नीचे आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, अगर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सारे वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक कर करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और